हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 को अटेंड किया है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 को अटेंड किया है और ये कहाँ पे हुआ था? एट द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर, राइट? तो इस सम्मेलन के अंदर उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। 12th इंस्टॉलमेंट अलोकेट किया 16,000 करोड़ का। कौन से स्कीम के अंडर में? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो 6,000 रुपीज़ पर ईयर जो किसानों को दिया जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर, तो ये उसका 12th इंस्टॉलमेंट था और उसके लिए 16,000 करोड़ रुपये का उन्होंने अलोकेशन किया है। और ये किसानों के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पहुंचाया जाता है, राइट? अगर आपको ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम का आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो जनधन अकाउंट होना चाहिए और वो जनधन अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, राइट? तो तभी आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम का वो बेनिफिट ले पाओगे। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि का ये 12th इंस्टॉलमेंट था और उसके लिए पीएम मोदी जी ने 16,000 करोड़ रुपीज़ अभी अलोकेट किए हैं। ये पीएम किसान सम्मान निधि वही स्कीम है जहाँ पर किसानों को पर ईयर 6,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में डायरेक्टली जमा होते हैं, राइट? यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीएम किसान सम्मान निधि क्या है। तो इट वाज लॉन्च ऑन द 24th February 2019 बाय पीएम मोदी, राइट? इट इज़ 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पूरा स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा स्कीम है। 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राइट? और ये उसकी थर्ड एनिवर्सरी है। एक्चुअली 2019 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी और ये उसका थर्ड ईयर चल रहा है, बराबर ना? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट टू द ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड साइज इन द ऑर्डर टू मीट देयर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक नीड्स। मतलब जो भी फार्मर जिनके पास खेती करने लायक ज़मीन है उनको उनकी उनके पास कितनी ज़मीन है उसको देखे बिना सभी को एक ही अमाउंट, मतलब 6,000 रुपीज़ पर ईयर, यहाँ पे कोई भी फार्मर के पास कितनी भी ज़मीन क्यों ना हो लेकिन सभी को सेम अमाउंट यहाँ पे स्कीम के अंडर में दिया जाता है, बराबर ना? सिंपल, ओके। उसके बाद दूसरा एक अनाउंसमेंट किया गया कि इनॉग्रेशन ऑफ द 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। देखो अब ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र क्या है, तो और ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात वो है कि ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे इस स्कीम का मेन मोटिव है कि इट इज़ प्रपोज टू कन्वर्ट 330,499 रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स इनटू द प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। यहाँ पे जो फर्टिलाइजर शॉप्स है जो अभी तक वहाँ पे फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स मिलते थे, बराबर ना, वो शॉप्स अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट? तो अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ तो करंटली देर आर अबाउट 2.7 लाख फर्टिलाइजर रिटेल आउटलेट्स एट द विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट, तालुका लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया। दिस रिटेल शॉप्स आर मैनेज बाय द कोऑपरेटिव और प्राइवेट डीलर्स। नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द वन स्टॉप शॉप्स एट द एज अ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। तो ये सभी फर्टिलाइजर शॉप्स को अभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बेनिफिट कैसे करेगा फार्मर को? तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र इज नॉट ओनली सेल द फर्टिलाइजर्स बट ऑल्सो क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द वेरियस स्कीम्स अवेलेबल फॉर द फार्मर्स, दस मेकिंग इट द वन स्टॉप शॉप, राइट? तो ये यहाँ पे फार्मर्स को जहाँ पे पहले जस्ट वो फर्टिलाइजर ही मिलता था फार्मर्स को उस शॉप के ऊपर, अभी वो शॉप के ऊपर फार्मर्स को जो उनके लिए जो स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, राइट? दिस विल बी क्रिएट टू द वाइड वेराइटी ऑफ द नीड्स ऑफ द फार्मर्स एंड प्रोवाइड द एग्री इनपुट्स।
फर्टिलाइजर सीड्स इम्प्लीमेंट्स बराबर ना, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर द सॉइल सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स बराबर ना। तो यहाँ पे एक वन स्टॉप शॉप बनाने की बात चल रही है कि जो शॉप्स अभी तक मात्र फर्टिलाइजर को बेचती थी, उस शॉप्स के अंदर एक तो फार्मर्स को उनके रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, उसके अलावा यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी फार्मर्स को मिलेगी कि भाई आपने जो फर्टिलाइजर परचेस किया है वो कितना क्वालिटी वाला है, आपके पास जो लैंड है बराबर ना वहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजर लगेगा, राइट। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको ये केंद्र के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में बराबर ना, राइट ओके। पीएम किसान सम्मान निधि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में है, और ये जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में है, राइट। तो यहाँ पे वो आपको बता होना चाहिए। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट किया गया है, लॉन्च ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक्चुअली, कि अभी तक क्या होता था फ्रेंड्स कि मार्केट में जो भी फर्टिलाइजर्स अवेलेबल थे कि उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप कोई फर्टिलाइजर लेने के लिए गए, राइट, तो वहाँ पे उस फर्टिलाइजर के बैग के ऊपर जो लेबल मारा होता है उसके अंदर क्या, उसके ऊपर क्या लिखा होता था कि जो फर्टिलाइजर की ब्रांड थी जिसने फर्टिलाइजर को बनाया है, राइट। उसके अलावा या तो फिर अगर फर्टिलाइजर को इंपोर्ट किया गया है बराबर, तो कहाँ से वो इंपोर्ट किया गया है, तो ये सब चीज़ें अभी तक वो लेबल के ऊपर डिस्प्ले होती थी, राइट। लेकिन सरकार ने अभी क्या बोला कि भाई मार्केट में जो भी फर्टिलाइज़र मिलेगा ना तो उसके ऊपर जो वन थर्ड पार्ट है ना, वन थर्ड पार्ट वहीं पे जो उसके मैन्युफैक्चरर है या तो फिर अगर वहीं से उसको इंपोर्ट करवाया गया है तो वो इंपोर्टर का नाम लिखा होगा, लेकिन बाकी के टू थर्ड पार्ट के ऊपर किसका लेबल लगेगा, सरकार का, और एकमात्र ब्रांड से उसको मार्केटिंग किया जाएगा और उस ब्रांड का नाम है भारत, राइट। तो सभी फर्टिलाइजर को एक ही ब्रांड से अभी मार्केटिंग किया जाएगा और वो ब्रांड का नाम क्या है, भारत। और ये जो भारत जो भारत नाम से जो मार्केटिंग किया जाएगा ये सभी फर्टिलाइजर बैग्स का, ये कौन सी योजना का पार्ट है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना बराबर ना, राइट। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो पीएम ऑल्सो लॉन्च द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बाई मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फेयर एंड फर्टिलाइजर्स टू ब्रांड द ऑल सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स एज अ वन नेशन वन फर्टिलाइजर अंडर द नेम ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एंड वील हैव अ कॉमन बैग डिज़ाइन बराबर ना। तो इन बैग के डिज़ाइन भी कॉमन होगी, राइट। उसके वन थर्ड पार्ट के ऊपर जो भी उस जिसने भी उसको मैन्युफैक्चर किया उसका नाम होगा, लेकिन बाकी के टू थर्ड पार्ट के ऊपर एक कॉमन ब्रांड नेम होगा, उसका नाम क्या होगा, भारत बराबर ना। और हाँ, और ये योजना का नाम लिखा होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना बराबर ना, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो फार्मर्स विल गेट द क्वालिटी क्रॉप न्यूट्रिएंट्स एट द लो कॉस्ट, देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अमंग द डिफरेंट ब्रांड्स फॉर द ईच टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर, राइट। तो अभी तक क्या होता है कि देखो फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप उसके अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने फर्टिलाइजर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बेचने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो अगर वो क्वालिटी में जो डिग्रेडेबल फर्टिलाइजर है अगर उसका हमने यूज़ किया तो वो जो लैंड है उसके लिए भी हानिकारक है और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट लाइफ है उसके ऊपर उसके लिए भी हानिकारक है, राइट। तो इसके लिए सरकार ने क्या बोला कि सभी लोगों को फर्टिलाइजर बना के हमको देना है, हम उसका क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे फिर हमको हमारी ब्रांड से उसको आगे बेचेंगे, सिंपल बराबर ना। तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का पार्ट है, सिंपल ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया में ओवरटेक जर्मनी जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी इसके बारे में बात करते हैं। एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसका जो एक रिपोर्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंडिया में ओवरटेक जर्मनी एंड जापान टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाई फाइनेंशियल ईयर 2028 बराबर ना। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, हमने लगभग दो तीन लेक्चर पहले ही उसको पढ़ा था कि भाई इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, उसने यूके को पीछे छोड़ा है जिसने हमारे पे 200 साल राज किया, उससे हम आगे निकल गए हैं एज़ पर द साइज़ ऑफ द इकोनॉमी बराबर ना।
तो ये इंडिया जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी फाइनेंशियल 2028 के अंदर। ये कौन बोल रहा है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कौन से रिपोर्ट में बोल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर, बराबर ना। और इंडिया के ऊपर कौन हो गया? मात्र दो, US और चाइना, राइट। भाई 2026-27 इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू बी 4.94 ट्रिलियन डॉलर, देन इन फाइनेंशियल 2028 इट विल हिट 5.36 ट्रिलियन डॉलर मार्क, हायर देन जापान एट द 5.17 ट्रिलियन डॉलर एंड विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बराबर ना। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा, IMF के द्वारा, कि 2028 तक इंडिया की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? 5.36 ट्रिलियन डॉलर, राइट। जो जापान की तब इकोनॉमी होगी 5.17 ट्रिलियन डॉलर, और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक, बराबर ना, राइट। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, अगर मैं रीजंस की बात करूं क्यों ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है, द रीजंस बिहाइंड इंडियाज रैपिड प्रोग्रेस इंक्लूड द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एक्सपेंशन एट द गुड पेस, रुपीज डेप्रिसिएटेड लेस देन मेनी करेंसीज अगेंस्ट द डॉलर, बराबर ना। रुपी डेप्रिसिएट तो हो रहा है डॉलर के सामने, लेकिन अगर हम बात करें बाकी की करेंसीज की तो वो तो बहुत ही फास्ट वे में डेप्रिसिएट हो रहा है कंपेयर टू द रुपी, बराबर ना, राइट। ऑल्सो इंडियाज इन्फ्लेशन इज़ हाई बट इज़ नॉट स्काई रॉकेटिंग, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है, लेकिन आप बाकी के डेवलप कंट्री से या तो फिर अगर लीस्ट डेवलप कंट्री की बात करो तो वहाँ पे तो एकदम हम स्काई रॉकेटिंग की तरह, मतलब एकदम फास्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हमारा इन्फ्लेशन एकदम स्टेडीली बढ़ रहा है, राइट। तो इट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ हाई बट एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेट, राइट। तो सिचुएशन नो डाउट अभी एबनॉर्मल है लेकिन कंट्रोल में है ऐसा माना जाएगा, राइट। एज पर द अनदर रिपोर्ट बाय द कैपिटल इकोनॉमिक्स, इंडिया कैन बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द 2030, राइट। तो अगर कैपिटल इकोनॉमिक्स नाम की एक संस्था है उसने क्या बोला कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, लेकिन कब तक? 2030 तक, बराबर ना, राइट। अकॉर्डिंग टू IMF डेटा इंडिया GDP पर पर्सन स्टैंड एट्स 2520 डॉलर, बराबर ना, राइट। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है कितनी है? 2520 डॉलर है। द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इफेक्टेड बाई द पेंडेमिक वॉर ट्रिगर इन्फ्लेशन, बराबर ना। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है बराबर बहुत वो आ, आ, उसके ऊपर इफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर और पेंडेमिक की वजह से, और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इतनी इफेक्ट नहीं हुई है, राइट। कंट्रोल्ड चल रही है, सभी सभी सिचुएशन कंट्रोल मैनर में चल रहा है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है इंक्रीजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द 6 रबी क्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग सीजन 2023 और 2024। तो अभी इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज़ चेयर्ड बाय द PM मोदी हैज़ अप्रूव्ड द इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द ऑल मैंडेटेड 6 रबी क्रॉप्स फॉर द 2022-2023 क्रॉप ईयर जुलाई टू जून एंड द 2023-24 मार्केटिंग सीजन। देखो इस पैराग्राफ में से आपको सबसे पहले तो दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स कौन चेयर करता है? PM मोदी। उसके अलावा क्रॉप सीजन कौन सा माना जाता है? जुलाई टू जून। जैसे फाइनेंशियल कौन सा माना जाता है? अप्रैल टू मार्च। उसी तरीके से क्रॉप सीजन कौन सा माना जाता है? जुलाई टू जून। कल हमने पढ़ा था कि भाई, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई जो शुगर सीजन कौन सा माना जाता है? तो अक्टूबर टू सितंबर, बराबर ना। तो उसी तरीके से ये क्रॉप सीजन माना जाता है जुलाई टू जून, बराबर ना। तो 2022-23 के क्रॉप ईयर जुलाई टू जून और जो मार्केटिंग सीजन है 2023-24 की, बराबर ना। तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया गया है, और कौन से क्रॉप्स के लिए? रबी क्रॉप्स के लिए, और 6 रबी क्रॉप्स है उनके लिए, बराबर ना। इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले हमको वो पता होना चाहिए कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इट द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज द ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स, जो रेट के ऊपर फार्मर्स के पास से गवर्नमेंट चीज़ें प्रोक्योर करती है उस रेट को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बराबर ना। करंटली द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द 23 क्रॉप्स ग्रोन इन द बोथ खरीफ एंड रबी सीजन, राइट। सोइंग ऑफ द रबी विंटर, रबी का मतलब विंटर क्रॉप, बिगिंस इन द अक्टूबर। रबी सीजन के जो क्रॉप्स है उसकी सोइंग कब होती है? अक्टूबर के अंदर शुरू होती है, इमीजिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द खरीफ। खरीफ
खरीफ सीजन के जो क्रॉप्स के जो हार्वेस्ट होती है उसके तुरंत अक्टूबर के अंदर रबी सीजन की सोइंग होती है, राइट। वीट एंड मस्टर्ड आर द मेजर रबी क्रॉप्स, वीट एंड मस्टर्ड है ना वो मेजर रबी क्रॉप्स है, बराबर ना। तो देखो टोटल 23 क्रॉप्स जो इंडिया के अंदर हम ग्रो करते हैं उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी तक सरकार ने डिसाइड की है, उसमें से 6 रबी क्रॉप्स हैं और 17 समर क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, बराबर ना, राइट। तो रबी क्रॉप्स की जो सोइंग होती है वो अक्टूबर महीने से होती है और इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, बराबर ना, राइट। तो वीट एंड मस्टर्ड आर द मेजर रबी क्रॉप्स, बराबर ना। तो यहाँ पे 6 रबी क्रॉप्स की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनके अंदर सरकार ने इंक्रीमेंट किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने टेबल में आपको ये 6 जो रबी क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल मतलब मसूर, राइट, मस्टर्ड एंड सेफ्लावर, बराबर है। तो ये 6 रबी क्रॉप्स के अंदर जो 2022-23 के अंदर कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, 2023-24 के अंदर कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने वाला है फॉर द मार्केटिंग सीजन, तो ये दोनों का कंपेरिजन है और कितना चेंज हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसके बारे में लिखा है, बराबर ना। आपके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये प्राइस नहीं रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई रबी क्रॉप्स कितने हैं, तो 6 हैं, खरीफ क्रॉप्स कितने हैं, 17 हैं, जिसके लिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है, बराबर ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जो फार्मर्स को दिया जाता है, सरकार जब फार्मर्स के पास से चीज़ें बाई करती है तब उनको ये प्राइस दिए जाती है, बराबर ना, सिंपल। ओके, तो ये कौन डिसाइड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, कौन चेयर करता है, पीएम मोदी, बराबर ना, सिंपल। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ने अभी उद्घाटन किया है एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे, पंजाब के अंदर। हमें इसके बारे में बात करते हैं कि इंडियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, उन्होंने अभी एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट संगरूर पंजाब के अंदर उसका उद्घाटन किया है, राइट। इट हैज़ बीन कमीशन विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द ₹220 करोड़ बाई द वर्बियो एजी, वन ऑफ द जर्मनीज लीडिंग बायो एनर्जी कंपनी, उसने FDI किया है और उसकी मदद से यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है पंजाब के अंदर। द प्लांट हैज़ बीन सेटअप अंडर द सतत इनिशिएटिव। सतत इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ये सतत इनिशिएटिव का ये पार्ट है। अभी अगर मैं कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की बात करूं तो ये प्लांट 1 लाख टन को जब जो पेडी स्ट्रॉ है ना उसको कंज्यूम करेगा, विच विल बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द 6 to 8 सेटेलाइट लोकेशंस विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्लांट। देर विल बी द डेली प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 600 to 650 टन्स ऑफ द फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्योर विच कैन बी यूज फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द डायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट टू द 390 एंड इनडायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट टू द 585 पीपल। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टू द स्टबल बर्निंग बाई रिड्यूसिंग द स्टबल बर्निंग ऑफ 40,000 to 45,000 एकर्स ऑफ द फील्ड्स, विच मीन्स एन एन्यूअल रिडक्शन ऑफ द 1,50,000 टन्स ऑफ द CO2 एमिशंस, बराबर ना। देखो यहाँ पे एक्चुअली जो नॉर्मली जो स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है पंजाब और हरियाणा के अंदर, जो स्टबल बर्निंग मतलब जो एक सीजन कंप्लीट हो जाती है तब उसके उसके जो क्रॉप है, जो उसके जो रिमेनिंग क्रॉप्स है उसको जलाया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत एटमोसफियर के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बराबर ना। तो इस स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे दूर करने की बात चल रही है, राइट। तो उसको कॉम्प्रेस करके उसका रिसाइकलिंग करने की बात चल रही है, बराबर ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम 1,50,000 टन्स ऑफ द CO2 एमिशन का रिडक्शन कर पाएंगे, राइट। तो ये प्लांट उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो 1 लाख टन्स ऑफ द पेडी स्ट्रो को कंज्यूम कर सकती है। पेडी स्ट्रो मतलब जो स्टबल बर्निंग, मतलब जो एक एक क्रॉप सीजन के बाद दूसरी क्रॉप सीजन शुरू होती है, तो जब स्टबल बर्निंग किसका किया जाता है, पेडी स्ट्रो का, जो रिमेनिंग पार्ट होता है क्रॉप का उसका, राइट। तो ये पेडी स्ट्रो को कंज्यूम कर लेगी, 1 लाख टन्स ऑफ द पेडी स्ट्रो को कंज्यूम करने की उसकी कैपेसिटी है, इसलिए वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट है, बराबर ना। अगर मैं सतत इनिशिएटिव की बात करूँ
तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्रेस बायोगैस फ्रॉम द वेरियस वेस्ट और बायोमास सोर्सेज इन द इंडिया, बराबर ना। तो वेस्ट और बायोमास सोर्सेज में से कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए 2018 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सतत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, बराबर ना। इट एम्स टू एम्पावर द रूरल इकोनॉमी बाय सपोर्टिंग द फार्मर, इंक्रीज द इंडियाज डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशेंसी एंड ऑल्सो रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, बराबर ना। तो उसका मेन मुद्दा तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना, उसके अलावा फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, राइट। फार्मर्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उनका एक क्रॉप सीजन ख़त्म हो गया, बहुत सारा पेडीज तो उनके पास अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको जलाते नहीं है, वो पेडिस्टो को कंज्यूम करके वो का मतलब कलेक्ट करके वो ये प्लांट वाले को दे के आएगा। तो फिर वो प्लांट वाला क्या करेगा, ये पेडिस्टो के में से उसको उसका कॉम्प्रेस बायोगैस बनाता है जो जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो फार्मर्स को ये जो पहले जो ये पेडिस्टो वो जलाया करते थे वो अभी जलाया नहीं करेंगे, वो ये प्लांट वाले को सप्लाई कर लेंगे, राइट। तो उनको इनकम भी हो जाएगी, उसके अलावा स्टबल बनने की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता था वो कम भी हो जाएगा, राइट। अगर मैं सतत इनिशिएटिव की बात करूँ तो 2018 से लेकर अब तक 38 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट इस इनिशिएटिव के अंदर में बनाए गए हैं, बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, बराबर। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन से मिनिस्टर है ये, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ द अर्थ साइंस, और ये मिनिस्टर नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राइट। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के कोई भी मिनिस्टर नहीं है, डायरेक्टली रिपोर्टिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा पीएम मोदी जी को किया जाता है, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी लॉन्च किया है सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल, बराबर ना। तो पेंशनर्स के लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस, उन्होंने अभी लॉन्च किया है एक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल एम्ड एट ईज ऑफ द लिविंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है वो कौन से पेंशनर्स के लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है, बराबर ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस, उनके अंडर में ये लॉन्च किया गया है, राइट। तो द पोर्टल विल एक्ट एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द ऑल द पेंशनर्स नीड्स, बराबर ना। तो ये पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरीके से काम करेगा, बराबर ना, सभी पेंशनर्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स है, बराबर ना। ओके, द पोर्टल वॉज डेवलप इन कोलाबोरेशन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बराबर ना, SBI के कोलाबोरेशन से बनाया है। SBI विल बिकम द फर्स्ट पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक विच हैज़ इंटीग्रेटेड इट्स पोर्टल विद द पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, बराबर ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का जो पोर्टल है उसके साथ इंटीग्रेशन करने वाली पहली बैंक कौन सी बनी, SBI, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, राइट। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स का वेलफेयर का जो पोर्टल है, बराबर ना, जहाँ पे पेंशन रिलेटेड सारी चीज़ें की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो फिर आप वहाँ से आप पेंशन डायरेक्टली विड्रॉ भी कर सकते हो, तो पोर्टल का नाम क्या है, भविष्य, उस पोर्टल का नाम है भविष्य। तो टोटल 17 बैंक जहाँ से अब पेंशन डिसबर्स होता है, बराबर, उसमें से एक बैंक है SBI, जो पहली पेंशन बैंक बनी है जिसने अपने पोर्टल को इंटीग्रेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ द पोर्टल ऑफ द पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, बराबर ना, उसके साथ, बराबर। अभी रिमेनिंग 16 पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक्स विल ऑल्सो बिगिन देयर इंटीग्रेशन विद द भविष्य, बराबर ना। तो भविष्य ये जो पोर्टल है, राइट, द पेंशन के रिगार्डिंग ये डिपार्टमेंट का, तो उसके साथ बाकी के 16 पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक्स भी इंटीग्रेशन करेगी, बराबर ना। अभी जस्ट SBI ने किया है। और भविष्य का ये 9.0 वर्जन है वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन द 18 अक्टूबर 2022 विद इट्स इंटीग्रेटेड विद द पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक्स, बराबर ना। तो भविष्य का भी 9.0 वर्जन अभी लॉन्च किया गया है, राइट। जितेंद्र सिंह ऑल्सो इनक्लूड द प्री रिटायरमेंट काउंसिलिंग फॉर अबाउट 900 ऑफिशियल्स हु आर अबाउट टू रिटायर इन द नेक्स्ट 1 ईयर, बराबर ना। कि जो पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, बराबर, ऐसे 900 ऑफिसर्स का यहाँ पे प्री रिटायरमेंट काउंसिलिंग भी किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, बराबर ना, राइट। मतलब एक काउंसिलिंग का उद्घाटन किया गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके,
उनके अलावा उन्होंने अनुभव अवार्ड्स को भी अनाउंस किया है। अनुभव अवार्ड्स फॉर द 2019-20, 2020-21 और 2021-22। अब ये अनुभव अवार्ड्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। अगर मैं भविष्य पोर्टल की बात करूं तो भविष्य इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर विल इनेबल द पेंशनर्स टू एक्सेस द ऑल द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इन द वन सिंगल प्लेस विद अ सिंगल लॉगिन। बराबर ना, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, अगर उसको पेंशन के बारे में, उसके पेंशन के बारे में कोई भी स्टेटस जानना है, कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है, या तो फिर उसको पेंशन का पैसा कुछ विड्रॉ करना है, राइट, तो ये सभी चीज़ें वो भविष्य पोर्टल के ऊपर कर सकती है। और भविष्य पोर्टल कौन सा, किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशन वेलफेयर का। बराबर ना, आफ्टर ऑल द फेसिस ऑफ दिस इंटीग्रेशन एंड कंप्लीटेड द रिटायरीज कैन चूज द बैंक एंड ब्रांच फॉर ओपनिंग एन ऑनलाइन पेंशन अकाउंट एंड चेक देयर मंथली पेंशन स्लिप्स फॉर्म 16 स्टेटस ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड चेंज देयर पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक थ्रू द भविष्य। तो एक बार वो सभी बैंक के साथ, जितने भी 17 बैंक से पेंशन डिस्पर्सिंग, बराबर ना, अगर ये भविष्य पोर्टल का सभी बैंक के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, तब कोई भी पेंशनर वो कोई भी बैंक में से वो अपना जो पेंशन का जो अकाउंट है, बराबर ना, उसको इजीली मेंटेन कर पाएगा, फॉर्म 16 वगैरह लाइफ सर्टिफिकेट को रिन्यू कर पाएगा कोई भी बैंक में से, बराबर ना, थ्रू दिस पोर्टल। बराबर ना, आप ऑफलाइन तो कर सकते हो लेकिन ऑनलाइन भी, बराबर ना, नहीं ओके। रिसेंटली नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट हैज रेटेड द भविष्य एज अ थर्ड बेस्ट पोर्टल अमंग द ऑल द सर्विस पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ में कवर करवाया था कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट, सबसे बेस्ट पोर्टल जिसने पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए अच्छा काम किया है वो आई, उसका नाम है UIDAI। बराबर ना, UIDAI, बराबर ना, तो उसका नाम, उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ये UIDAI क्या डिस्पर्स करता है? आधार कार्ड। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट, ये जो ये संस्था है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज जो भी पोर्टल अच्छी तरीके से देता है उसको अवार्ड देता है, राइट, तो उसने असेसमेंट किया था, उसके अंदर सबसे बेस्ट पोर्टल जिसने पब्लिक ग्रीवियंस को अच्छी तरीके से लिया और उसको सॉल्व किया, तो वो पोर्टल का नाम क्या था? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड इश्यू करता है। और ये जो भविष्य पोर्टल है वो थर्ड बेस्ट पोर्टल था उसके अकॉर्डिंग। बराबर ना, राइट, तो अगर मैं भविष्य की बात करूँ तो भविष्य को लॉन्च किया गया था विद द एम टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ द ऑल द रिटायरमेंट ड्यूज एंड डिलीवरी पेंशन पेमेंट ऑर्डर टू रिटायरिंग एम्प्लॉइज ऑन द डे ऑफ द रिटायरमेंट इटसेल्फ। भविष्य को क्यों लॉन्च किया गया था? तो एक टारगेट रखा गया है कि जब भी कोई पर्सन रिटायर हो उसी दिन उसको उसका पेंशन का अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाए। बराबर ना, तो ऐसा टारगेट रखा गया है भविष्य पोर्टल को अनाउंस करने में। बराबर ना, तो प्लेटफॉर्म वॉज मेड मैंडेटरी फॉर द ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंस जनवरी 2017। बराबर ना, राइट, ऑन एट प्रेजेंट भविष्य हैज़ प्रोसेस 1,74,000 केसेस, राइट, और उसमें जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स इशू विच इंक्लूड्स मोर देन 1,00,000 EPPOs। बराबर ना, मतलब अभी तक 1,00,000 EPPOs, मतलब ऑलरेडी 1,00,000 पेंशन अकाउंट ऑलरेडी ऑनलाइन ओपन किए गए हैं भविष्य पोर्टल के थ्रू। बराबर ना, राइट, तो उसका मेन एम है कि जब भी कोई पर्सन रिटायर हो तब उसका जो सेटलमेंट है पेंशन का उसी दिन हो जाए। बराबर ना, सिंपल, ओके। अगर मैं अनुभव अवार्ड्स की बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह अवार्डेड द अनुभव अवार्ड्स फॉर द 1920, 2021, 2021-22 टू 15 अवार्डीज। 15 अवार्डीज को ये अवार्ड दिए गए ये 3 साल के लिए। ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक द अनुभव अवार्ड सेरेमनी स्टार्टेड इन 2016 फॉर द ओके 2019-20 एंड 2020-21 वेन नॉट ऑर्गेनाइज। बराबर ना, वैसे ये अनुभव अवार्ड्स कब ले स्टार्ट किया गया था? 2016 के अंदर। बराबर ना, लेकिन 2019-20 2020-21 के अंदर ये अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। बराबर ना, तो अभी ये 3 साल के साथ में ही दिए जा रहे हैं। बराबर ना, अनुभव अवार्ड्स की बात करूँ कि अनुभव पोर्टल लॉन्च बाई द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स एंड पेंशन वेलफेयर इन 2015
provides an opportunity for the retiring government employees to share their experience of the working in the government and give suggestions for the improvement in the governance. बराबर ना, तो जो भी रिटायर्ड पर्सन रिटायर्ड एम्प्लॉय जो अच्छा सजेशन देगा और जो अपने एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेगा इस पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे उन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं. बराबर ना, 2016 से दिए जाते हैं. सिंपल, बराबर ना. ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है कि ड्रोन्स कैन कंट्रीब्यूट टू द 100 बिलियन डॉलर जीडीपी इंक्रीज. बराबर ना, अभी उसके बारे में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट का टाइटल क्या है, यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द बिलियन लाइवलीहुड्स. बराबर ना, इस रिपोर्ट को अभी लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. डिप्लोइंग ड्रोन्स इट द फोर फ्रंट ऑफ द टेक्नोलॉजी लीड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर कैन इन्हेंस द जी डी पी बाई 1 to 1.5% और कूड द इन्हेंस द जी डी पी ग्रोथ विद द 100 बिलियन डॉलर. बराबर ना, कि अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर एफिशेंटली ड्रोन का यूज़ करोगे ना, तो आपके जी डी पी के अंदर 1 to 1.5% का ग्रोथ होगा या तो फिर 100 बिलियन डॉलर का ग्रोथ होगा. इंडिया की अगर पर्टिकुलर बात करें, ऐसा कौन एंटिसिपेट कर रहा है, दो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, कि यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव अ बिलियन लाइवलीहुड्स. बराबर ना, दिस कैन बी अकम्प्लिश विद द एड ऑफ द डेवलपिंग बिजनेस मॉडल सच एज डिजिटल फाइनेंसिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड रैपिड अवेयरनेस बिल्डिंग. बराबर ना, द रिपोर्ट डिस्क्राइब द पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एग्रीकल्चर यूजिंग द ड्रोन्स. द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर बाय द सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन राइट इंडिया ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलाब्रेशन विद द अदानी ग्रुप एंड वॉज रिलीज इन द गांधीनगर गुजरात. ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तो लॉन्च किया गया, लेकिन उसके अंदर में एक संस्था काम करती है, सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंडिया, उसके द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है इन कोलाब्रेशन विद द अदानी ग्रुप. बराबर ना, राइट, कि किस तरीके से आप ड्रोन का यूज़ करके एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं और आपकी जीडीपी के अंदर 1 to 1.5% का ग्रोथ कर सकते हैं या तो फिर 100 बिलियन डॉलर का ग्रोथ कर सकते हैं. राइट, अगर मैं ये रिपोर्ट की की हाईलाइट्स की बात करूँ, द रिपोर्ट हाईलाइट द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट टू एम्फेसाइज दैट कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर कैन अनलिश द एडिशनल वैल्यू ऑफ द 65 बिलियन डॉलर बाई 2025 एंड सजेस्ट द जीडीपी इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर विल बी सिग्निफिकेंटली लार्जर. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, उसमें भी बताया गया था कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें एग्रीकल्चर के अंदर तो हमारी जीडीपी के अंदर 65 बिलियन डॉलर का इंक्रीमेंट हो सकता है 2025 तक. बराबर ना, राइट. द रिपोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्केलेबल पायलट्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई द वेरियस गवर्नमेंट्स. These use cases for the drones combine the military and the civilian technologies and are made possible by the digital adoption, analytics, digital financing and a well-coordinated local stakeholder effort. बराबर ना, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये बोल रहा है रिपोर्ट का हाईलाइट क्या है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे एग्रीकल्चर के अंदर राइट, तो आपकी जो जीडीपी है वो 100 बिलियन डॉलर से बढ़ जाएगी. ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोल रही थी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट के अंदर राइट. और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी अपने रिपोर्ट के अंदर ये एंटिसिपेट कर रहा है. बराबर ना, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ कि इंडिया की जीडीपी के अंदर अभी उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो एज ऑफ 2019-20 द एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्लॉइज 45.6% ऑफ द लेबर फोर्स एंड कंट्रीब्यूट्स 18.29% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इंडिया. 2019-20 तक अगर मैं बात करूँ कि हमारे जो लेबर फोर्स के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 45.66% लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. मेरे से इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर बराबर ना एंड से ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द 80% एंड इम्प्लॉइज ऑफ 54.4% ऑफ द वर्कफोर्स. अभी देखो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आज कोई चीज़ की प्राइस 100 रुपया है और एक साल के बाद वो 105 रुपया हो गए, तो उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 5 रुपया राइट. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 45.6% लोग काम कर रहे हैं लेबर फोर्स के, लेकिन उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है, मात्र 18.29%. अगर मैं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पे 54.4% लोग काम कर रहे हैं और उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन है 80%. मतलब उन लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. बराबर ना, सिंपल. तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर नॉलेज एंड एडवाइस कैन लीड टू द 15% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन इंडियाज 600 बिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर. बराबर ना,
Drones play a vital role in undertaking this value by providing an efficient means to collect the data and apply the inputs, thereby increasing the yields in farmers' revenue. तो अगर हम ड्रोन का यूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर इनपुट के अंदर एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी उसके अंदर आएगी, तो हम कम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे और फार्मर्स की रेवेन्यू बढ़ पाएगी. सिंपल, बराबर ना? ओके. हमारे नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 लॉन्च किया गया है, बराबर ना? और इस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक आया 41st, बराबर ना? और उसके अंदर आइसलैंड ने टॉप किया है. अभी इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू 2022 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 41st आउट ऑफ द 44 कंट्रीज एज कम्पेयर टू द 40th पोजिशन ऑफ द 43 कंट्रीज इन 2021. 2021 के अंदर 43 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था, लेकिन 2022 के अंदर 44 कंट्रीज़ का सर्वे किया और उसके अंदर इंडिया का रैंक 41 आया है. लास्ट ईयर कौन सा था? 40 था. इंडिया हैड एन ओवरऑल इंडिकेटर वैल्यू ऑफ 44.4 अप फ्रॉम 43.3 इन 2021. However, it is below that in 2020 when India ranked 34th out of 39 countries with a value of the 45.7. बराबर ना? अभी ये देखो, ये नंबर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने पेंशन के अंदर 2020 से थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है ये पेंशन इंडेक्स के अंदर, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए. ये जो इंडेक्स है कौन प्रिपेयर करता है? द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन कोलाबोरेशन विद द US बेस्ड CFA Institute and International Association of the Investment Professionals, the Moniz Center for the Financial Studies and the Mercer, जो US बेस्ड एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म है, तो ये चार इंस्टीट्यूट साथ में मिलकर इंडेक्स बनाती है, राइट? ये इंडेक्स की अगर बात करें तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द 44 ग्लोबल पेंशन सिस्टम्स अकाउंटिंग फॉर द 65% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. तो यहाँ पे 44 ऐसी कंट्रीज़ का यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, ऐसी कंट्रीज़ के पेंशन सिस्टम को यहाँ पे इवोल्यूट किया गया है कि जो वर्ल्ड के 65% पॉपुलेशन को कैरी करती है, बराबर ना? तो टोटल 44 इकोनॉमिक्स में से हमारा इंडिया का रैंक, अगर हम इंडिया के पेंशन सिस्टम की बात करें तो आउट ऑफ 44 हमारा रैंक 41 है, बराबर ना? इट बेंचमार्क्स द रिटायरमेंट इनकम सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, हाईलाइट्स द शॉर्ट कमिंग इन द एज सिस्टम एंड सजेस्ट द पॉसिबल एरिया ऑफ द रिफॉर्म, बराबर ना? राइट. अगर मैं इस इंडेक्स के अंदर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करूँ तो टॉप फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे नीदरलैंड, थर्ड नंबर पे डेनमार्क, इंडिया का 41 है और जो लास्ट है 44 नंबर पे थाईलैंड, बराबर ना? यहाँ पे पेंशन सिस्टम जो नेशन वाइड चलती है उसका एवोल्यूशन क्या है? अभी इंडिया के अंदर कौन सी पेंशन सिस्टम चल रही है? नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, बराबर ना? राइट. तो अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ओल्ड पेंशन सिस्टम को वापस आने की डिमांड कर रहे हैं भाई, राइट? तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या था कि भाई आप जो सैलरी, आपका जो लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जो सैलरी है उसका 50% आपको इनकम मिलती थी, बराबर ना? 50% आपको पेंशन मिलता था. NPS के अंदर ऐसा नहीं है. NPS के अंदर आपके सैलरी में से पैसा काटा जा रहा है और वही पैसा आपको पेंशन के टाइम पे दिया जा रहा है, राइट? लेकिन ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर आपकी सैलरी में से कुछ भी नहीं काटा जाता था और जो भी आपका जो लास्ट वर्किंग डे पे जो सैलरी था उसका 50% आपको पेंशन मिलता था. और जब फॉर एग्जांपल आपके नॉमिनी जो भी हो गए तो आपके बाद उसको उसका 50%, मतलब फॉर एग्जांपल आपका लास्ट वर्किंग डे के ऊपर 50,000 सैलरी है तो आपको पेंशन कितना मिलेगा? 25,000. और आपके नॉमिनी को आपके आपके बाद कितना मिलेगा? 12,500, उसका 50%, बराबर ना? तो ये ओल्ड पेंशन सिस्टम था जो अभी नई है, 2004 से ये बंद हो गया है. अभी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS चल रहा है जहाँ पे आपकी सैलरी में से ही पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है और वही सैलरी में से वो पैसा फिर आपको पेंशन के टाइम दिया जाएगा. सिंपल, बराबर? आप उसको बीच में विड्रॉ भी कर सकते हो, राइट? तो ये NPS है, राइट? तो ये जो हमारा NPS है उसका अभी रैंक आया है आउट ऑफ 44 41, बराबर ना? सिंपल. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश मेक्स द टॉप ऑनर एट द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स, बराबर ना? 2021 के अंदर का जो एडिशन था उसके अंदर, राइट? तो उसके बारे में बात करते हैं. तो उत्तर प्रदेश हैज़ वन द टॉप ऑनर एट द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन
अवार्ड्स 2021 अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी, बराबर ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन बना है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव वन द सेकंड एंड थर्ड प्राइज अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु, बराबर ना। ओके, अगर मैं द विनर्स ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 की बात करूँ, तो ये 150 डेज का चैलेंज है वॉज फैसिलिटेटेड बाय द हरदीप सिंह पुरी, जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ड्यूरिंग द इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022, बराबर ना। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 के अंदर ये चैलेंज लॉन्च किया गया था हमारे जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उनके द्वारा, राइट। और ये जो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव कहाँ पर अनाउंस किया, ऑर्गेनाइज किया गया था, तो शास्त्री मैदान राजकोट के अंदर, बराबर ना। तो वहाँ पर ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, एक चैलेंज अनाउंस किया गया था 150 डेज का चैलेंज, अभी इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स की हाईलाइट्स के बारे में बात करूं, तो 2021 का ये जो आवास योजना अर्बन अवार्ड्स है उसके अंदर मध्य प्रदेश को 3 स्पेशल कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है, एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज हैज़ वन द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरेटरी। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा बना? यूपी। और बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरेटरी कौन बने हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा गुजरात को 5 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है, जिसके अंदर एक कैटेगरी है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये कैटेगरी के अंदर इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ओडिशा को एक स्पेशल कैटेगरी बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव बाय द स्टेट, उस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है, बराबर ना, राइट। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करें, तो 2019 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड अनाउंस किया गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, बराबर ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अंदर आवास योजना अर्बन, जिसके अंदर ये जो अफोर्डेबल हाउस जो प्रोवाइड किए जाते हैं, अफोर्डेबल रेंटल हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं, बराबर ना, तो इसी योजना का पार्ट है, बराबर। तो अलग अलग स्टेट उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, उसको यहाँ पे उन लोगों को इस तरीके से अवार्ड्स दिए जाते हैं, बराबर ना। तो अवार्ड्स की शुरुआत कब की गई? 2019 के अंदर, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, बराबर ना। तो अवार्ड्स हैव ब्रॉडली बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर लेवल्स, स्टेट अवार्ड्स, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत अवार्ड्स, बराबर ना। स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स और बेनिफिशियरी अवार्ड्स, बराबर ना, बेनिफिशियरी अवार्ड्स। तो अवार्ड्स को यहाँ पे 3 मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट। तो स्टेट, म्यूनसिपल और नगर पंचायत अवार्ड्स, स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स और बेनिफिशियरी अवार्ड्स। अवार्ड्स आर प्रपोज टू बी इक्वलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 4 ब्रॉड पैरामीटर्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग वेटेज इज गिवन बिलो, राइट। तो पैरामीटर ए क्या है? 100 डेज चैलेंज पैरामीटर। पैरामीटर बी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम पैरामीटर। पैरामीटर सी है आउटरीच एंड ट्रांसपेरेंसी पैरामीटर। और पैरामीटर डी है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द स्कीम, बराबर ना। ये 4 पैरामीटर के अंदर यहाँ पे इवोल्यूशन किया जाता है और 3 कैटेगरी के अंदर इवोल्यूशन किया जाता है, बराबर ना, राइट। ये अवार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन द मिशन, टू इंकरेज द हेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टेट यूनियन टेरिटरी और अर्बन लोकल बॉडीज फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द हाउसिंग फॉर द ऑल विथ इन द स्टिपुलेटेड टाइम, टू डिसेमिनेट द नॉलेज ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स ऑफ द डिजाइन इन इम्प्लीमेंटेशन, टू इंकरेज द इनोवेशन इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, टू प्रमोट द क्रॉस लर्निंग इन द रिजोल्विंग प्रॉब्लम्स, मिटिगेटिंग द रिस्क एंड प्लानिंग फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन, बराबर ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2019 के अंदर अनाउंस किए गए थे, बराबर ना। मेन मिशन क्या है कि भाई हर एक स्टेट और यूनियन टेरेटरी जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, उन लोगों की पॉलिसीज़ कैसी है, कि हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारा जो एक टैग है, क्या हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट। और लोगों के अंदर इन्फॉर्मेशन फैलाना कि भाई हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इसके बेनिफिशरी बन सकते हो, सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करूँ, ये योजना के बारे में बात करूँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सिंस जून 2015 से ये योजना इम्प्लीमेंट हो रही है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन।
The beneficiaries of the scheme include the economically weaker section, low income groups and middle income groups. बराबर ना, तो ये योजना के अंदर कौन बेनिफिट ले सकता है कि जो लो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, EWS वाले, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं और जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं वही बेनिफिट ले सकते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज सेंक्शन अराउंड 1.23 करोड़ हाउसेज अंडर द स्कीम एंड सो फार मोर देन 1.0 लाख हाउसेज हैव बीन ग्राउंडेड एंड अबाउट 64 लाख आर कंप्लीटेड एंड द डिलीवर्ड. बराबर ना, टोटल 1.23 करोड़ हाउसेज को यहाँ पे बनाया जाएगा और अभी तक 1.04 लाख हाउसेज को अभी तक ग्राउंड लेवल पे एस्टेब्लिश किया है और 1.04 करोड़ हाउसेज को अभी तक ग्राउंड लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश किया गया है और 64 लाख हाउसेज को तो डिलीवर भी किया गया है, कंप्लीट भी हो गया और डिलीवर भी हो गया है. राइट, टारगेट कितना है 1.23 करोड़ हाउस का. राइट, कंप्लीट कितना हुआ है 1.04 करोड़. राइट, और उसमें से डिलीवर और कंप्लीट कितने हो गए 64 लाख. बराबर ना, राइट, ओके. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली टाइगर ट्रंप 2022 एक एक्सरसाइज हुई किसके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में. बराबर ना, तो इंडिया एंड यूएस कंडक्टेड द ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज. बराबर ना, कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर. तो अभी इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं. द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप वॉज हेल्ड इन द विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बिटवीन द इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी. राइट, इट वॉज हेल्ड इन लाइन विथ द ग्रोइंग द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. द इंडियन नेवी वॉज लीड बाय द रियर एडमिरल मनीष शर्मा चीफ स्टाफ ऑफिसर. राइट, जो हेडक्वार्टर के अंदर, जो ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर के अंदर बैठते हैं, बराबर ना, उनके द्वारा इंडियन नेवी को लीड किया गया था इस एक्सरसाइज के अंदर. राइट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक्सरसाइज का एम क्या है, तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड वैलिडेट द प्रोसीजर्स फॉर द कंडक्टिंग द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस आफ्टर द नेचुरल कैलामिटी. राइट, तो एक्चुअली ये जो HADR जो एक्सरसाइज होती है कि फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलामिटी आई तब किस तरीके से आप उस सिचुएशन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे दो कंट्री के बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्रिएट हो, इसके लिए ये दो कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज होती है टाइगर ट्रंप. कौन सी दो कंट्री के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में. ये सेकेंड एडिशन था, कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर. बराबर ना, सिंपल. तो दिस इज द थर्ड टाइम इन 2022 दैट इंडियन एंड यूएस मिलिट्रीज हैव वर्क टूगेदर इन विशाखापट्टनम. In February 2022, the US joined the India and more than 30 other nations for the India's biannual exercise Milan. तो विशाखापट्टनम के अंदर ही 2022 के अंदर फेब्रुवरी के अंदर एक एक्सरसाइज हुई थी मिलन, तब यूएस ने ज्वाइन किया था इंडिया को और उसके साथ 30 अदर नेशंस भी थे. राइट, और तब उस एक्सरसाइज का मिलन का थीम क्या था, कैमरेडरी, कोहेशन एंड कोलाबोरेशन. राइट, इन ऑगस्ट 2022 यूएस शिप फ्रैंक एबल विजिटेड द विशाखापट्टनम ड्यूरिंग विच यूएस सेलर्स जॉइन द इंडियन काउंटर पार्ट फॉर द ब्रीफिंग्स. मेरा मतलब एक एक्सेस ब्रीफिंग्स करके हुई थी, तब भी यूएस की शिप ने इंडिया के ये विशाखापट्टनम को विजिट किया था और उन्होंने एक्सरसाइज की थी. बराबर ना, द फर्स्ट टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन 2019 इन द विशाखापट्टनम. इट इज द फर्स्ट टाइ सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड इंडिया. बराबर ना, ओके. आई थिंक फ्रेंड्स आज तमाम न्यूज़ में तमाम सारी रीते कवर पड़ी है. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.